दोस्तों ये है टॉप 3 18 प्लस इरोटिक मूवीज जिनमें ऐसे ऐसे सीन है जो कि किसी कौन वीडियो से कम नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो नंबर 3 पर जो मूवी है इसका नाम है द वॉयर्स। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर इजिली देख सकते हो। मूवी में स्टोरी है एक यंग कपल की जो कि एक नए अपार्टमेंट में मूव करते हैं और फिर वो अपने अपार्टमेंट की विंडो से एक दूसरे कपल को इंटीमेट होते हुए देखते हैं जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग लगता है क्योंकि ये कपल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है। और उसके बाद ये यंग कपल उनके ऊपर स्पाई करने लगते हैं हाथ पैर मुंह सब धुल के। इसके बाद इनका ये बिहेवियर कब ऑब्सेशन में बदल जाता है इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, जिसके बाद मूवी में ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो कि इस कपल ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। इस मूवी में आपको भर भर के एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे और सिडनी स्वीनी शायद आपको आपके बाथरूम तक लेकर चली जाए। बाकी मूवी में स्टोरी बहुत ही वाव टाइप नहीं है, लेकिन अगर आपको एडल्ट सीन देखने हैं तो इस मूवी को आप जरूर चेकआउट करें। नंबर 2 पर जो मूवी है इसका नाम है ड्रीमर्स। ये एक इरोटिक रोमांस मूवी है। इस मूवी को देखने के लिए आपको इंटरनेट पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। मूवी में स्टोरी है मैथ्यू नाम के एक लड़के की जिसकी दोस्ती हो जाती है एक फ्रेंच ब्रदर और सिस्टर से और अब इन तीनों में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। ये तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और इन तीनों को ही सिनेमा बहुत ज्यादा पसंद होता है। और फिर जैसे जैसे पेरिस में पॉलिटिकल अशांति बढ़ती है इन तीनों का रिलेशन बहुत ज्यादा डीप हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा होता है क्योंकि मैथ्यू ने ऐसे भाई बहन का प्यार पहले कभी नहीं देखा। ऐसा भाई बहन का प्यार उसने सिर्फ कौन वीडियोस में ही देखा था। तो आगे की स्टोरी आप मूवी देखकर जानिए कि इस ट्रायो में किस लेवल की इंटिमेसी बढ़ती है। बाकी आपकी नजरें ईवा ग्रीन से बिल्कुल भी नहीं हटेंगी। मूवी किसी कौन वीडियो से कम नहीं है लेकिन एक अच्छी स्टोरी के साथ, तो इस मूवी को भी आप जरूर चेकआउट करें। नंबर 1 पर जो मूवी है इसका नाम है क्विल्स। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को देखने के लिए आपको इंटरनेट पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मूवी में स्टोरी है एक राइटर की जिसका नाम है मार्क्विस डेसार्ड जो कि 10 सालों से एक इंसेन असाइलम में कैद है और डेसार्ड बहुत ज्यादा अडल्ट नॉवेल लिखता है जो कि सेक्सुअली बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव होती है। इसकी वजह से असाइलम में उसे हमेशा रोका जाता है ऐसे लिखने के लिए, लेकिन डेसार्ड कभी भी लिखना बंद नहीं करता और डेसार्ड की इन अडल्ट नॉवेल्स को बाहर भेजने में हेल्प करती है असाइलम की एक लॉन्ड्रेस। लेकिन एक पॉइंट के बाद डेसार्ड पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि उस तरह की नॉवेल ना लिख सके। तो आगे की स्टोरी आप मूवी देखकर जानिए कि डेसार्ड क्या आगे भी नॉवेल लिख पाएगा कि नहीं। मूवी में है कमाल की स्टोरी जो कि बहुत ही सारे सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करती है। बाकी आपको मूवी में देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा अडल्ट सीन और देखने को मिलेगी गॉर्जियस केट विंसलेट जिनसे आपकी नजरें बिल्कुल नहीं हटेंगी। इस मूवी में सारे एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है, तो इस मूवी को चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे मूवीज रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब।